हेलो 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 और बड़ा हेलो 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 बढ़िया कार्यक्रम अभी आप लोगों ने सुना है, बढ़िया जवाब और क्या, बढ़िया सवाल, बहुत सुंदर, बढ़िया शायरी, शायरी अति सुंदर शायरी। रोई थी दुल्हन कितनी कहारों से पूछो, सबीर भैया रोई थी दुल्हन कितना ये कहारों से पूछो, किनारों से पूछो, पहाड़ों से पूछो, जरा सुनिएगा कि नदी को किनारों ने लूट लिया, नदी नदी को किनारों ने लूट लिया, चमन को बहारों ने लूट लिया, अरे कैसे पहुंचेगी डोली पिया के घर, क्योंकि डोली को तो कहारों ने लूट लिया। लेकिन बेटा जब मैंने ये सुना तो मेरे दिमाग ने एक काम किया, सुनो बेटा, अब अपने ही अपनों से छूट रहे हैं, अब अपने ही अपनों से छूट रहे हैं और नए जमाने में पुराने रिश्ते टूट रहे हैं, अरे उन कहारों को मार दो गोली, उन कहारों को मार दो गोली जो दुल्हनों की डोली लूट रहे हैं। आपने कहा प्यार में इंसान अंधा हो जाता, सच्चा प्यार अंधा नहीं होता है। सबीर भैया आप भी अपने जगह ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन मेरी बात भी गलत नहीं है। आपने आम आम लोगों के प्यार मोहब्बत को देखा है, मेरे गीत में माँ का प्यार चल रहा है। माँ का प्यार अंधा होता है इसलिए क्योंकि लोग देखते हैं कब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन एक माँ है जिसने कभी देखा नहीं है, जब से पेट में बच्चा आ जाता है तब से उससे प्रेम करने लगती है बिना देखे ही, तभी कहा गया कि सच्चा प्यार अंधा होता है। और प्यार प्यार को जो गम समझते हैं, प्यार को जो गम समझते हैं, अरे वो ना समझ है कम समझते हैं, और हमने देखी है प्यार की मंजिल, हमने देखी है प्यार की मंजिल, अरे इस मंजिल को तो हम समझते हैं। ये भी हमारे चचा रहीम खान जी हैं। चचा आज बड़ा नाज हो रहा है मुझे उधर भैया, हमारे सबीर खान साहब और क्या चचा रहीम खान साहब, ओहो कर लो बात, मुझे बड़ा गर्व होता है अपने हिंदुस्तान पर। बिल्कुल बेटे, जहाँ रहीम रसखान जैसे कवि हो जाते हैं और ऐसे ऐसे कलाकार हैं, लोग उंगलियां उठाते हैं, मैं कहती हूँ कि देखिए हमारे हिंदुस्तान में जहाँ हिंदू मुस्लिम आपस में बैर भाव नहीं रखते हैं, कुछ लोग हैं जो इनमें आपस में बैर भाव बढ़ा देते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम की एकता अगर देखनी है तो वो हमारे हिंदुस्तान में देखिए। कीर्तन में हमारे भाई सबीर खान जी हैं, चचा रहीम खान जी हैं और भी कई कलाकार हैं, इनको देखकर के मुझे चार पंक्तियां याद आ रही हैं, कि सूखे फूल देखकर गुलिस्तान रो पड़े, अगर कोई इंसान मारा जाए तो इंसान रो पड़े, अरे ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों कि हिंदू का घर
जले तो ये मुसलमान रो पड़े। बाप बाप अपनी सरे बाजार न गिरने देना, बाप अपनी सरे बाजार न गिरने देना और हाथ से अमन की पतवार न गिरने देना। तुमको कुरान व गीता की कसम है यारो, भाईचारे की ये दीवार न गिरने देना। आदरणीय हमारे पूजनीय महाराज श्री दुर्गे शरण शुक्ला जी, आप एक बहुत अच्छे वक्ता हैं। श्रीमद् भागवत का आप रस स्वादन कराते हैं। पूजनीय महाराज जी के करकमलों से ये 101 पद्म मुद्राएं प्रदान हुई हैं। मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ, स्वागत है। चल रही हूँ भैया के सवाल जवाब की ओर। जवाब जो भी दिए बढ़िया है, बहुत बढ़िया। क्योंकि मेरे गुरुजी कहा करते थे, भैया जी महाराज जी, एक गांव में एक संत पहुंच गए तो एक जो अपने आप में बड़ा घमंड करते थे, वो किसी को मानते ही नहीं थे, वो पहुंच गए बोले महाराज हमें चेला बना लो। गुरुजी ने कहा ठीक है बन जाओ। क्या तो चेला बन गए, बोले महाराज आप गुरु हो गए तो सुनाओ। तो गुरुजी ने कहा बेटा क्या सुनोगे, आप रामायण का पाठ किया करें। रामायण तो छोटी बात, ऊंची बात बताओ। गुरुजी ने कहा बेटा गीता का पाठ किया करो। हाँ ये कुछ ठीक है, हाँ ये ठीक है। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा आज महात्म महात्म सुन लीजिए, फिर आगे पढ़ाएंगे आगे सुनाएंगे। बोले ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी ने श्लोक पढ़ा महात्मे, सर्वो निषदो गावो दो गदा गोपाल नंदना। सर्वो निषदो गावो दो गदा गोपाल नंदना। और चेला साफ कर लगे बाबा बाबा बाबा। गुरुजी ने कहा बेटा कुछ समझ में ना आ रहा हो तो पूछ लो। बोले गुरुजी हमें और समझ में ना आए, आप कम समझाते हम ज्यादा समझ लेते हैं। गुरुजी ने कहा बेटा गुरु होने का मान रख लो, कुछ तो पूछ लो। बोले गुरुजी वैसे तो सब बातें समझ में आ रही, बस एक बात समझ में नहीं आ रही जो आप बार बार कह रहे सर्वो निषदो गावो दो गधा गोपाल नंदना। ये दो गधा कौन थे? वैसे इस श्लोक का मतलब है सर्वो निषदो गावो दो गधा गोपाल नंदना, सारे उपनिषद गाए हैं उसका दोहन करने वाले गोपाल नंदन श्री कृष्ण है। बोले आप बार बार कहते सर्वो निषदो गावो दो गधा गोपाल नंदना, गुरु जी ये दो गधा कौन है? ये गुरु जी ने माथा पीटा, बोले बेटा कोई नहीं एक तुम और एक हम। जो तुमको समझे नहीं और हम बिना समझे समझाए जा रहे हैं, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। लेकिन आज बहुत अच्छे सहयोग हमारे सबीर खान जी दे रहे हैं। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है भाई सबीर खान जी कि आप इतने सुंदर प्रयास कर रहे हैं। आज की तरफ से कटपीस आया है कि लंबी दीवारे चुनवा दो, लाख बिछा दो पहरे। सुनिएगा सुनिए तू सा
और माननीय हमारे महाराज जी दुर्गेश्वर शुक्ला जी 101 पद मुद्राएं हैं। मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। राधे राधे, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोला की थोड़ी चाटी बढ़ा दीजिए। समीर भैया बहुत सारे बाघ हैं। और क्या ये पुनः 101 पद मुद्राएं पूज्य महाराज श्री दुर्गेश्वर शुक्ल जी, क्या बात है, आपकी तरफ से पुनः 101 पद मुद्राएं हैं। हाँ, मेरे से ढेर सारा धन्यवाद है। बस आप ऐसे ही बैठे रहे, पुरस्कार अपने आप आएगा। और क्या, बिल्कुल हो क्या बात है बेटा मुकेश, बहुत अच्छे सुनेगा सुने। आपने बाग बाग लिया है, हाँ, तो मुझे भी कुछ लाना पड़ेगा। और सबीर भैया आपने सबरी को लिया है, हाँ, तो मुझे भी उसी वन में किसी को देखना पड़ेगा। देखो देखो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिस समय गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दे दिया, अहिल्या जब पत्थर की हो गई, हाँ, जब अहिल्या पत्थर की हो गई, भाई हमारे सचिन शुक्ला जी ज्ञान गुरा आपके करकनों से 51 पद मुद्राएं हैं, धन्यवाद है। जब अहिल्या पत्थर की हो गई ना, जब अहिल्या पत्थर की हो गई ना, मुझे श्राप से मुक्ति कब मिलेगी। गौतम ऋषि ने कहा कि जब राम आएंगे तो तुझे मुक्ति मिलेगी। राम जी गुरु जी के साथ में चले जा रहे हैं, कथानक सभी को मालूम है। जैसे ही उस आश्रम में राम जी पहुंचे तो वहां देखा कि पूरा उजड़ा हुआ पड़ा है, अहिल्या पत्थर की बनी पड़ी है। और जैसे राम जी का आगमन हुआ तो अहिल्या सोच रही है, क्या अरे क्षीर सागर में रहते हो, सुनेगा। अरे रहते जहां श्री विष्णु उसे कहते क्षीर सागर, क्षीर सागर अरे पुनः 101 पद मुद्राएं पूज रहे हमारे महाराज श्री दुर्गेश्वर शुक्ला जी, बिल्कुल बेटा आपकी तरफ से फिर से 101 पद मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्या, आप बैठे इधर से पैसा इधर से आ रहा है। और क्या, और क्या बेटे, आज रात के महाराज कुबेर जी हैं, कुबेर जी
पैसा तो आ नहीं है और क्या ये बेहतरीन साउंड व्यवस्था भैया की तरफ से 21 पद मुद्राएं हैं ताज साउंड सर्विस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया साउंड सर्विस आपको तो ताज पहनाना चाहिए वाह ताज सुने सुनिए महत जहां श्री विष्णु वो है चीर सारे गया है सब पर क्योंकि वो है दया रहते जहां श्री विष्णु उस कहते क्षीर सागर मुझे सुनेगा और तरत दया है सब पर क्योंकि वो है दया सागर इसलिए अरे देखा क्षीर सागर देखा करुण सागर दया सागर है करुण सागर है हाँ लेते उसे कहते क्षीर सागर है तो पहना है भैया जी करने पार सागर अहिल्या सोच रही है क्या अरे करने पार सागर करुण सागर आ गए करने पार सागर करुण सागर आ गए क्या सुने सुने कि करने भैया जी सुने अरे भव से पार करने कृपा सागर आ गए और सुख को देन देखो सुख सागर आ गए और करने कृपा देखो भैया श्री राजू गुप्ता जी ज्ञानपुर आपके करकंदों से इस जवाब की पंक्तियों पर 51 पद मुद्राएं हैं और क्या बेटे वैसे चारों तरफ से पुरस्कार आते थे लेकिन आज पुरस्कार उस तरफ से आ रहे हैं जिस मंच की तरफ हम बैठे लक्ष्मी का वास यही है लक्ष्मी धन्यवाद है ये गीत और भैया की तरफ से आया है लक्ष्मी यही कही है लो बच्चा आदरणीय श्री गिरिजा शुक्ला जी आपके करकंदों से 101 पद मुद्राएं हैं मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है बहुत भीड़ बहुत होती है पैसा कम होता है अच्छा अच्छा हम वही कह रहे पुरस्कार तो वही आएगा आदरणीय हमारे महाराज श्री
दुर्गेश्वर शुक्ला जी, आपके कदमों से पुनः एक से एक पद मुद्राएं हैं। धन्यवाद है, आप मुद्राई नजर करे रहे हैं। और क्या, और क्या, बस नजर दो ही जगह रखना, एक पुरस्कार देने वालों पर और एक पुरस्कार लेने वालों पर, सिर्फ नजर दो जगह रखो आप। बढ़िया गीत आया है, कौन सा सुनेगा, सुनिए कि तहरे बचर्चा सार जिला तहारे बचर्चा सार जिला में, ये दारू झंडा तहारे करे विष्णु लीला राम लीला में, हाँ करे शिव जी लीला राम लीला में। निवेदन कर रही हूँ कि जवाब को सुने भैया जी, राम लीला और करे शिव जी लीला राम लीला में और एक रास लीला में। भैया जी शिवम ज्ञानपुरा, आपकी तरफ से 21 पद मुद्राएं हैं, मैं और से बहुत धन्यवाद है शिवम भैया। और क्या, ये पुरस्कार बहुत दूर से आया बेटा, ज्ञानपुरा ज्ञानपुर ज्ञानपुर हम समझे कि बस वहीं से आ गया, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में एक गांव है उसका नाम है ज्ञानपुरा, उस गांव से हमें बड़ा लगाव है, सच बता रहा है दुर्गेश, बड़ा बड़ा लगाव है। उसकी वजह ये है कि जो हमारे लेखक है पंकज महाराज उनकी ससुराल है, सच बता रहे हैं, और हमारा भाग देखिए कि सिर्फ एक बार जा पाए हम, बस बस थोड़ा एक ही डंडा का असर रह गए ज्ञानपुर में, तो आ ही गए, डंडा मिल जाता तो महाराज का काम हो जाता, डंडा के वजह से बच गए। आई फिर सुनिए रासलीला रामलीला विष्णु लीला, जय हो सबीर भैया, सुनिए सुनिए कि कहीं रुद्र रूप कहीं रुद्र अवतार है, कहीं रुद्र रूप कहीं रुद्र, भैया जी कहीं रुद्र रूप भैया रुद्र अवतार है, त्रेता में आते बानर भय से पुरार है, त्रेता में आते बानर भय से पुरार है, करें सोली करें शिव लीला वानर लीला में,
लीला बानर लीला में आया रंग देखो नर लीला में द्वापर में आके शंभु बने नर से नारी है। भगवान भोलेनाथ ने एक बार माता से कहा देवी देवी हमने सुना कि लेडीज फर्स्ट है। लेडीज फर्स्ट है हाँ भोलेनाथ तो मेरी इच्छा है कि मुझे भी एक बार नारी बनने का सौभाग्य प्रदान करें। अच्छा भोलेनाथ अगर आपकी इच्छा है तो चलिए और क्या चलिए चलो उठो भोले शंकर करो तैयारी पहनो लहंगा चुन्नी क्योंकि द्वापर युग आने वाला है। सुनिए सुनिए द्वापर में आके शंभु बने नर से नारी है नारी से नर बन गए भवानी बन गए कृष्ण भोलेनाथ बन गए राधा प्यारी तो बड़ा योगदान शुका योगदान शुका कृष्ण लीला में योगदान शुका कृष्ण लीला आया रंग देखो नर उपस्थित हुए योगी उपस्थित बालीला सूजी उपस्थित बालीला आया रंग भैया हमारे और बहुत ही अच्छे कथावाचक है आदर श्री पंडित हमारे दुर्गेश्वर शुक्ला जी आपको करकमलों से एक से एक पद मुद्राएं हैं। धन्यवाद मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ और ये बड़ा अमूल्य पुरस्कार है। और क्या राजेश गुप्ता जी ओहो अच्छा गौतम जी अच्छा आपकी बार गुप्तदान है अगर तुम्हारा गुप्तदान है तो फिर तुम्हारा महाकल्याण है। धन्यवाद है क्या बात है आयुष्मान भव चिरंजीव भव। अरे आज का कार्यक्रम फोन के माध्यम से सुन रहे हमारे भैया अजीत सैनी जी लखनऊ से और उनके द्वारा आपने फोन पे करके 501 पद मुद्राएं भेजी हैं।
भैया अजीत भैया बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात है, क्या बात है जी भाई, सुनेगा सुनिए। करते सो लीला राम लीला में, छोटा सा गीत और भैया के लिए है, आपके जमाने का है। और क्या फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं क्या? हेलो हेलो हेलो, देख ले थोड़ा वॉल्यूम अगर हो जाए तो। बहुत बड़ा गीत आया था, पर पीने वालों की किस्मत सबीर भैया, ना धर्म बुरा ना करम बुरा ना गंगा बुरी ना जल बुरा, पर पीने वालों की पंडित जी बस इतनी है बस करता यही गुजार कि पंडित जी मेरे मरने के बाद दक्षिणा लेता है क्या? लेकिन एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण से दक्षिणा ले रहा है। क्या बात है, तुम उस ब्राह्मण से भी बढ़ के ब्राह्मण हो गए। चूंकि महाराज जी बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, बिल्कुल बेटा,
और जहाँ ऐसे ज्ञानी पुरुष बैठे हो भैया सबीर भैया जी, तो कुछ लाने का प्रयास करना चाहिए लोगों को। बिल्कुल मेहनत करनी चाहिए, मेहनत, क्योंकि कई श्रोता आते हैं केवल थोड़े समय हा हा हो सुना और चल दिए, लेकिन जो सुनने वाले होते हैं वो रात भर बैठते हैं। और क्या, एक कवि कहता है कि मैं घर से निकला, रास्ते में मिले कुछ दोस्त, हाँ सिलसिला शुरू हुआ जाम का। मैं घर से निकला, रास्ते में मिले कुछ दोस्त, तो सिलसिला शुरू हुआ जाम का। इतने में श्रीमती का फोन आ गया, इतने में श्रीमती का फोन आ गया, बोले कहाँ हो? तो कहा हमने भी झूठ नहीं बोला, कह दिया जाम में फंसा हूँ, थोड़ी देर लगेगी। भैया सुने गीत को सुनिए। मरने के बाद, हाँ तो गीत में यही आएगा कि मरने के बाद, और क्या, मरने के बाद सुनिए सुनिए। महाराज दशरथ ने तीर चलाया, वो श्रवण कुमार को लगा जाता है, और जब ये दशरथ जी जान पाए तो बड़ा कष्ट हुआ कि मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। अरे मैं इतना बड़ा अपराधी हो गया हूँ आज। महाराज दशरथ की आंखों से अश्रु निकलने लगे। श्रवण कुमार के पास पहुंचे, श्रवण कुमार ने कहा कि राजन मुझे कष्ट इस बात का नहीं है कि मैं मर रहा हूँ, मुझे कष्ट इस बात का है कि मैं अपने प्यासे माँ बाप को जल तक नहीं पिला पाया। अगर कृपा आप कर दे तो बड़ी खुशी मिलेगी मुझे। क्या मेरे आप ये जल ले जाकर के मेरे माँ बाप को पिला दीजिए। महाराज जल का पात्र लेकर के श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुँचे, और जब माता पिता ने ये जाना कि श्रवण कुमार नहीं रहा, तो महाराज दशरथ से कहने लगे, महाराज महाराज अब मुझे इस जल की आवश्यकता नहीं है। ना क्यों, इस जल से घृणा हो गई है। तो वो माता पिता कह रहे हैं राजन, अरे फिर से पूजने महाराज श्री दुर्गेश्वर शुक्ला जी, 101 पद्म मुद्राएं हैं, धन्यवाद है, वाह हृदय से प्रणाम कर रही हूँ, सुने सुनिए भैया जी। श्रवण कुमार के माँ बाप कह रहे हैं क्या, कि ना चीर बुरा ना तीर बुरा ना सरी बुरी ना नीर बुरा, पर पीने वालों की किस्मत में मरने वाला मरते मरते बस करता यही निवेदन। दशरथ जी मेरे मरने के दशरथ जी मेरे मरने के बाद, दशरथ जी मेरे मरने के बाद, इतना कर तू भला देना, इतना कर तू भला देना, लकड़ी देने वाला नहीं कोई, अग्नि देने वाला नहीं कोई, मेरी चिता जला संभालो तुम।
कहीं प्राण जो अटके तन में, कहीं प्राण जो अटके तन में, मेरा घोट गला तेरा दशरथ जी मेरे मरने के बाद, दशरथ जी मेरे मरने के बाद जी। ये पुनः एक से एक पद मुद्राएं हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से प्रणाम कर रही हूं। एक टुकड़ा और सुनिएगा, मरते मरते एक श्राप दे दिया, क्या चलो महाराज आज पुत्र वियोग में हम मर रहे हैं, एक दिन वो आएगा कि पुत्र वियोग में आप भी मरोगे, और क्या दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए, वन में जानकी का हरण हो गया, राम जी वन में पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग ने, तब तक आवाज आई हा राम हा राम हा राम, और ऐसी आवाज सुनी तो राम जी देखने लगे कि आवाज कहां से आ रही है, और जब राम जी ने जाकर के देखा जटायु मरणासन्न अवस्था में पड़े हैं, राम राम रट लगाए हैं, दोनों पग कटे हुए हैं, जब दोनों पग कटे ऐसी हालात में देखा राम जी ने जटायु को गोद में उठा लिया, जटायु हे पक्षीराज आपकी ये दशा किसने की, जटायु ने कहा कि मेरी ये दशा दशानन ने की, मेरी ये दशा दशानन ने की है, वो जानकी का हरण करके ले गया, राम जी को बड़ा कष्ट हुआ, गोद में उठा लिया, सहलाने लगे राम जी, सहलाने लगे, और जटायु को एक वरदान था, यही कह लीजिए श्राप भी है कि जिस दिन तुम्हारी जटा से किसी जटा का संपर्क हो जाएगा उस दिन तुम्हारी आयु समाप्त हो जाएगी, इसलिए उनका नाम था जटायु, तब तक जटायु मरे नहीं, और राम जी ने जैसी अपनी जटाओं से सहलाया ऐसे सहलाने लगे तब जटायु की आयु समाप्त हुई है, राम जी ने गोद में लेकर कहा कि जटायु कुछ मांग लो, मांग लो, जटायु ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वैसे एक बात कहूं कि आपके पास है ही क्या देने के लिए, और क्या आपके पास क्या है, बोले वैसे तो मैं नर लीला कर रहा हूँ लेकिन सच्चाई यह है कि मैं त्रिलोकपति हूँ, जय हो, कुछ भी मांग लो, जटायु ने कहा महाराज तो आप यही जानते होंगे तो कोई किसी को गोद में ले लेता है तो सारी संपदा उसी की हो जाती है, और आपने तो मुझे गोद ले लिया है तो आपका तो सब मेरा हो गया है, ये जी किसी ने कहा कि जटायु ने जब दशानन पर प्रहार किया तो दशानन को एक क्षण के लिए मूर्छा आ गई थी, चाहते तो दशानन की 200 आंखों का ऑपरेशन कर देते, लेकिन जटायु ने क्यों नहीं किया, तो जटायु कहते कि मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं भारतवर्ष का पक्षी हूँ, मैं निहत्ते पर निर्बल पर बाहर नहीं करता हूँ, और दूसरा कारण ये है कि बोले बचाने क्यों गए, जब पता है कि तुम दशानन से जीत नहीं सकते तो क्यों पहुंच गए, जटायु ने कहा इसलिए गए, जी एक जगह जंगल में आग लगी हुई थी, सुनते रहिए, एक चिड़िया मुंह पानी भर कर जाती है आग बुझाने के लिए डाल के आती है, किसी ने कहा कि तुम्हारी इस चोंच भर पानी से क्या जंगल की आग बुझ जाएगी, चिड़िया ने कहा कि मैं जानती हूँ कि ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा
तो मेरा नाम देखने वालों में नहीं बुझाने वालों में लिखा जाएगा। वही जटायु ने कहा, सुने सुनिए। तो जटायु कहते हैं क्या, अंतिम इच्छा नाथ ये मेरी, मेरा बंस चला देना, अग्नि देने वाला नहीं कोई, लकड़ी देने वाला नहीं कोई, मेरी चिता जला धर्म के पिता है। कहते एक मेरा पिता मेरे वियोग में मरा, यानी महाराज दशरथ, एक पिता मेरे वियोग में मरे तो एक पिता मेरे सहयोग में मरे। अग्नि देने वाला नहीं कोई, अग्नि देने वाला नहीं कोई, मेरी चिता जला देना, लघुपत जी मेरे मरने के बाद, बोले राजा सरकार की। आइए चलते चलते छोटा सा टुकड़ा, कौन सा बच्चे कौन सा। हेलो हेलो हेलो, आवाज बहुत कम हो जाती है। हेलो हेलो बढ़ाइए। हेलो 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 हेलो, जितनी तेज आवाज आएगी उतने लोग दौड़ के आए हैं। और क्या, हेलो हेलो और बढ़ाइए, बढ़ा दीजिए, सभी भाइयों का वॉल्यूम बढ़ा दें। चहरा है या जान की ना,
जी ज्ञानपुर निवासी आपके कर्मों से ये बहुमूल्य 101 पट मुद्राए हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस गाने में ये सब लगा है आहा ही ही। आहा क्या बात है, मर्ज बताओ बेटा क्या है। सुने भगवान बोलिया बैठे बैठे सोच रहे हैं क्या, और सोच क्या रहे हैं क्या, कि जिसने धरा पर जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। कन्हैया सोच रहे हैं क्या, कि मौत है सबकी मेरे हाथ में, हान लाभ जीवन मरण यस अप्यस विधि हाथ। तो मौत है सबकी मेरे हाथ में, पलक सभी मेरी छांव में है, सभी मेरी छांव में पल रहे हैं। कि मौत है सबकी मेरे हाथ में, पल सभी मेरी छांव में है, मुरलीधारी सोच रहे मौत मेरी मेरे पांव में है। वाह क्या बात है, ये उड़के मेरी तरफ क्यों आ रहा है। ये पूजने महाराज श्री दुर्गेश शरण शुक्ला जी आपके कर कमलों से पुनः 101 पद मुद्राएं हैं,
बहुत बहुत धन्यवाद है। ये सब आपका चाहने वाले हैं। और क्या क्या बात है महाराज। और यही यही कमाना चाहिए व्यक्ति को जीवन में। पैसा तो बहुत लोग कमा लेते हैं, और क्या, लेकिन प्रेम बहुत कम लोगों को मिल पाता है। सत्य है। मौत है सबकी मेरे हाथ में, कल तो सभी मेरी छाँव में है। मुरलीधारी सोच रहे मौत मेरी मेरे है। और क्या, और क्या बेटे, जब बरवीक ने सिंधु से भरा हुआ तीर छोड़ा था महाभारत के युद्ध में, तो जिस योद्धा की जहाँ से मौत थी वही जाकर निशान लगा, और क्या, भगवान कन्हैया के पैर में लग गया। दुर्योधन की मृत्यु उसकी जंगा में, और उसी पहेलिए ने, यानी जो बाली था राम ने वध किया था, उसने कहा कारण कमलनाथ वही मारा, मैं वैरी सुग्रीव प्यार। उसको राम जी ने उस समय कहा था कि हे वाली, इस बार मैंने तुझे मारा, अगली बार तू अपना बदला पूरा कर लेना। और वही वाली व्यास बहेलिया बन करके आया और तीर चलाया, भगवान कन्हैया के पैर उस कदम में जाके लगा। तो किसी न किसी की किसी न किसी वजह से मृत्यु है। कोई कैंसर से मर रहा, कोई कोरोना में जा रहा है, किसी को अटैक हो जाता है। कोई अटैक में जा रहा है तो कोई ओवर टेक में जा रहा है। सबीर भाई जी, आइए, आपका स्वागत है। सुंदर से गीत और सुंदर से सवाल जवाब के साथ भैया सबीर जी आ रहे हैं। भैया अजीत भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप पूरा कार्यक्रम लाइव सुन रहे हैं। और क्या, लखनऊ से ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच से आपकी तरफ से फिर से आपने 501 पद मुद्राएं भेजी हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए भैया, हमारे सबीर भैया जी, आपका स्वागत है।